Hi guys, welcome back to a new video. My name is Akash Sharma and I am no longer a research student at the University of Melbourne. Very long story, उसके लिए separate video बना के बताऊंगा आपको हुआ क्या. इसलिए मैं video भी नहीं post कर रहा था, काफ़ी time हो गया मेरे को post किया. Last video मैंने 2-3 हफ्ते पहले post करी थी. That's a long story. But आज की video का topic ये नहीं. आज की video का topic है 5 problems that every international student faces and उसके साथ उसके solutions भी बताऊंगा आपको. So ये एक mini vlog type का होने वाला, मतलब vloggy type का होने वाला. तो फटाफट चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रह के यहाँ की प्रॉब्लम्स, यहाँ के सॉल्यूशंस, अपनी लाइफ, ऑस्ट्रेलिया के ब्लॉग्स, ये सब पोस्ट करता रहता हूँ. अब से रेगुलर पोस्ट करूँगा. आई एम सो सॉरी, पिछले मैं 2-3 महीने से रेगुलर बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं डेफिनेटली यूट्यूब पर रेगुलर हूँगा. एनीवेज, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बने रहना वीडियो में. गाइस, जो आपकी पहली प्रॉब्लम होती है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो होती है आपकी यूनी. नाउ यूनी को आप प्रॉब्लम नहीं कंसिडर कर सकते, यूनी को आप इशू कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे आते हैं दे कम ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू लाइक इवन इंक्लूडिंग मी, मैं खुद स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, तो वो पढ़ने के लिए ही आते हैं. सो पढ़ाई एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है. अब पढ़ाई का स्केल सबका अलग अलग होता, हर बंदे का स्टूडेंट वीज़ा पे पढ़ाई का स्केल अलग है. मैं अगर अपनी पिछले एक साल की जर्नी की बात करूँ, सो आई वॉज अ रिसर्च स्टूडेंट. मैं फिज़िक्स पढ़ता था, फिज़िक्स की रिसर्च करता था. अभी भी मैं उससे रिलेटेड फील्ड में हूँ, बट अभी मैं एक कोर्स वर्क स्टूडेंट हो चुका हूँ. आई एम नॉट डूइंग रिसर्च एनीमोर. इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, अगेन मैं फिर से वो स्टोरी में घुसना नहीं चाहता. एक मैं आपको बताता हूँ. सो यहाँ पे आपकी यूनी मैटर बहुत करती है. अगर आपकी यूनी अच्छी है, उसमें आपका कोर्स अच्छा, जैसे यूनी मेल में मैं मास्टर्स ऑफ साइंस एंड फिज़िक्स कर रहा था, वो कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, लाइक बहुत बड़ा कोर्स है. सो उस कोर्स को करने के लिए आपको, सो फॉर रेफरेंस अगर आपको मैं बताऊँ, सो जब मेरी कोर्स इन सेशन होता था, जब मैं पढ़ रहा होता था, यूनी चल रही होती थी, मेरे लेक्चर्स होते थे, मेरी रिसर्च वर्क चल रहा होता था, मैं सुबह 8 बजे जाता था, रात को 8 बजे तक, 8-9 बजे तक, इजी 8-9 तो जिस दिन मतलब छुट्टी होगी उस दिन तो अच्छी बात है, 8-9 बजे छुट्टी होगी. और शाम को 8-9 बजे तक आई यूज़ टू सिट इन माई ऑफिस, डू कम्प्लीट रिसर्च मंडे टू फ्राइडे, ये मेरा शेड्यूल था. एंड फ्राइडे नाइट को आई यूज़ टू स्टार्ट वर्किंग एट सम प्लेस फॉर ऑब्वियस रीजंस, मेरे को मतलब रेंट वगैरह पे करने के लिए फॉर साइड इनकम. एंड फिर फ्राइडे ओवरनाइट, एंड फिर सैटरडे ओवरनाइट, एंड फिर संडे इवनिंग, एंड फिर अगेन मंडे को ये है रूटीन. सो अगर आपको इससे थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा, तो बेसिकली इतना काम है ये कि मतलब बंदा पागल हो जाएगा. एंड बाय द वे, मंडे टू फ्राइडे जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके लिए आई एम नॉट गेटिंग पेड, दैट इज़ जस्ट बिकॉज आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट. तो मेरे को वो रिसर्च करनी पड़ती है फॉर माई मास्टर्स डिग्री. फॉर रेफरेंस अभी आपको पता चल चुका होगा कितना एफर्ट मारना पड़ता है जस्ट टू वर्क एंड सिक्योर योर पोजिशन इन दैट कोर्स वर्क. एंड बाई द वे, मैं उस टाइम में भी आई वॉज नॉट इन द टॉप, यू नो, 10 टॉप 5 ऑफ माई लेक्चर्स, या जो भी मेरे ग्रुप में स्टूडेंट्स थे, आई वॉज मतलब लाइक अ वेरी एवरेज बोल सकते हो. उस टाइम मैं एवरेज था, एवरेज स्टूडेंट था, इवन आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट. क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई का लेवल है, ऑस्ट्रेलिया का फिजिक्स का लेवल या ऑस्ट्रेलिया की साइंसेस का लेवल, इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो इंडिया का लेवल है. हमारा लेवल अगर लेवल 10 है, तो ये लोग लेवल लेट्स से 25 पे चल रहे हैं. एंड यूएस का लेवल तो ऑब्वियसली लेवल 50. बट दिस इज़ ओनली फॉर फिजिक्स. अभी मैं आपको डराना नहीं चाहता. देखो, अगर आप किसी नॉर्मल यूनी में अच्छा कोर्स कर रहे हो एंड आपके कोर्स की इन डिमांड है, डजेंट मैटर आपकी यूनी एक दिन हो, दो दिन हो, तीन दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट ऑब्वियसली मेक्स अ डेंट कि आपकी कोर्स या यूनी कैसी है. अगर आपकी कोर्स या यूनी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, जैसे मेरी थी पिछले एक साल में, तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है, यूनी बिकम्स एन इशू. मेरी असाइनमेंट्स नहीं होती थी, मेरी रिसर्च वर्क होता था बहुत ज़्यादा. एंड गाइस, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आपको बताना चाहता हूँ आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, दैट इज़ एम्बर स्टूडेंट. नाउ एम्बर स्टूडेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपको हेल्प करेगी यहाँ पे अकोमोडेशन बुक करने में, अ स्टूडेंट अकोमोडेशन. बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे शुरू में स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हैं, फिर दे कंटिन्यू टू लिव इन स्टूडेंट अकोमोडेशन. इट इज़ अ वेरी गुड, अ वेरी सिक्योर, अ वेरी नाइस ऑप्शन टू स्टे इन. एंड एम्बर स्टूडेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, उसके ऊपर जाके आप क्लिक करोगे, फिर आप वहाँ पे अपने लिए एक गुड अकोमोडेशन, जो कि बहुत सारी सिटीज़ में, नॉट ओनली इन मेलबर्न. आई स्पेसिफिकली क्रिएट कंटेंट जो मेलबर्न से रिलेटेड है, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जा रहे हो, इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, तो एम्बर स्टूडेंट के वेबसाइट पे जाओ, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है उसके ऊपर क्लिक करो, एंड उस लिंक से आपको एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट के ऊपर आप डायरेक्ट हो जाओगे. वहाँ पे जाके आप अपनी चॉइस ऑफ स्टूडेंट अकोमोडेशन चूज़ कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो फॉर इट. इंडिया बैठे बैठे ही आप ये सब कुछ कर सकते हो, आपको ऑन शोर आने की, ऑस्ट्रेलिया आने की जरूरत नहीं है. यू कैन बुक योर स्टूडेंट अकोमोडेशन बाय एम्बर, बुक इट टुडे, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. रिसर्च का इतना प्रेशर होता था, एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज़ नॉट डायरेक्टली फ्रॉम योर सुपरवाइजर, बट इट इज़ लाइक खुद से, सेल्फ से ही प्रेशर आने लग पड़ता है. वैन एवरी वन अराउंड इज
अराउंड यू इज वर्किंग सो हार्ड ऑन समथिंग, आपको लगता है कि यार भाई मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊँ या मैं ऐसा ना जाऊँ. एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरे को बहुत ऐसे साइडलाइन फील होता था कि यार मैं कम क्यों हूँ, मेरे को और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है. एंड वो एक साल में मैंने पढ़ा ही हूँ, ये पिछले एक साल में ऑनेस्टली आई हैव स्टडीड अराउंड 100 आवर्स अ वीक इजीली 100 आवर्स अ वीक इजी पढ़ा हुआ है. एंड ऑन व्हेन माय कोर्स वाज इन सेशन, ऑब्वियसली जब मेरा कोर्स सेशन में नहीं होता था तब आई यूज टू शूट वीडियोज एंड यू नो डू सम पार्ट टाइम जॉब, और तब भी थोड़ा रिसर्च वर्क चलती थी धीरे धीरे, बट इट वॉज लाइक 6-7 आवर्स अ डे. सो होता है बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो गया था मैं एक साल के बाद, अभी तो आई एम डेफिनेटली बर्न आउट कम्प्लीटली. यूनी अगर आपको इशू नहीं बनाना सो उसकी रिकमेंडेशन यही होगी कि कोर्स वो करो जो आप पहले रिसर्च करके आओ. यहाँ पे आपको लगे कि भाई इस कोर्स में ज़्यादा हेक्टिक नहीं है और इसका रिटर्न अच्छा है, अगर मैं इसमें थोड़ा भी एफर्ट डालूंगा तो इसका ROI अच्छा आएगा मेरे को. सो सॉरी गाइज, दिस इज लाइक फिफ्थ डे संडे के बाद, अभी थर्सडे हो गया है जब मैं वीडियो फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई टोल्ड यू मेरी लाइफ इज लाइक कम्प्लीटली फक्ड अप. इतनी बिजी है कोई हिसाब नहीं, कभी कहीं कभी कुछ, कभी यूनी कभी जॉब, कभी यूनी कभी जॉब. सो एज सच आई एम हैप्पी दैट यू नो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, बट आई एम ऑल्सो सैड कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता टू गिव टू यूट्यूब. बट एनी वेज, सो द सेकेंड प्रॉब्लम दैट एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट फेसेस इज ऑफ अ जॉब, ऑफ अ पार्ट टाइम जॉब. लुक, मैं मेलबर्न में रहता हूँ, आई लिव इन मेलबर्न, एंड यहाँ पे जॉब्स का मार्केट इज क्वाइट ऐसी, अभी यू नो मार्केट बहुत बुरा हुआ यहाँ का, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है मार्केट में. देर आर, क्योंकि ऑब्वियसली जो पुराने आए हुए हैं वो छोड़ नहीं रहे एंड इतनी डिमांड भी नहीं है. सो इफ लाइक यूजुअल द मोस्ट हायरिंग जो होती है पार्ट टाइम, जो पार्ट टाइम जॉब्स की, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर करती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. नाउ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बूम जो हुआ था यहाँ पे, एक्चुअल वो हुआ था आफ्टर कोविड. नाउ अक्रॉस ग्लोब व्हाट आई पर्सनली फील लाइक, दिस इज माय पर्सनल थ्योरी, नॉट हेयर इन स्पेसिफिक टू ऑस्ट्रेलिया, आई फील लाइक आफ्टर कोविड जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बहुत बूम करी थी फॉर अराउंड 1 ईयर और 2 ईयर्स. एंड उस टाइम इसलिए क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग बाहर नहीं गए हुए थे, एंड कोविड के टाइम पे लोगों को बहुत यू नो दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ देयर क्लोज्ड वंस, एंड दे रियलाइज कि दिस मनी, ये संसारिक चीज़ें, ये सब यहीं रह जाएंगी. सो दैट्स वाई पीपल वेंट आउट एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. सो दैट्स वाई जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है बहुत बूम करी, बट अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा बूम नहीं कर रही, लाइक आई थिंक इट केम बैक टू नॉर्मल. सो दी थिंग इज़ कि अभी आपको तो इन सब ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको फ़ायदा होने वाला है कि पार्ट टाइम जॉब की क्या प्रॉब्लम है. लुक, जॉब्स नहीं है, जॉब्स पर होंगी, आज नहीं तो कल, इफ़ यू कीप ट्राइंग ऑन, यू नेवर नो यू वैन यू गेट लकी, यू नेवर नो वैन यू विल फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी, यू नेवर नो कि आपको कब जॉब मिलेगी. घर पे मत बैठे रहो, गो आउट एंड स्टार्ट अप्लाइंग. द मोर यू विल गो आउट, द मोर यू विल अप्लाई, तब आपके और ज़्यादा चांसेस बढ़ते रहेंगे. लुक, मैं भी बाकी क्रिएटर्स की तरह रो सकता हूँ कि भाई यू नो जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब रह रहे हैं. यहाँ पे जो आया है उसको जॉब भी मिलेगी, वो रहेगा भी, उसको सब कुछ हो जाएगा. कोई ऐसा नहीं होता जिसको जॉब नहीं मिलती, कोई ऐसा यू नो अगर आपने यहाँ तक उखाड़ लिया तो कोई ऐसा नहीं है कि आप आगे भी जॉब नहीं अपने लिए ढूंढ पाओगे. इफ़ यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया, कम टू अब्रॉड बाय योरसेल्फ, अगर आपने सब कुछ खुद से किया है, अगर आपको पता है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अगर आपने इंडिया में भी इतना ढूंढ लिया है कि इंडिया के सिस्टम को डॉज करके या इंडिया के सिस्टम को पूरी तरह डील करके, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज में घूम घूम के सर्टिफिकेट बनवा के, अगर आपने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, तो ट्रस्ट मी यू कैन ईजिली फाइंड अ जॉब फॉर योरसेल्फ. तो अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछो अभी तक का जॉब्स का, तो एक साल में मैंने बहुत सारी टाइप की जॉब्स करी हैं, लाइक यू कांट इवन इमेजिन मैंने क्या क्या जॉब्स करी हैं यहाँ पे एक साल में. एंड ऑलमोस्ट मेरे को एक साल और कुछ एक दो हफ्ते हुए अभी आए, आई लैंडेड हेयर ऑन 19th of July, एंड अभी क्या 1st of August चल रहा है, मतलब 19 जुलाई 2023, अभी 2024 चल रहा है, एक अगस्त. एंड इस एक साल और जितने भी दिन है इसमें आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड ट्रस्ट मी, इस एक साल में कभी ऐसा भी टाइम था कि पूरे महीने में मेरे को रेंट जितने पैसे भी नहीं मेरे पास थे, एंड अपनी सेविंग से पैसे निकाल के वो रेंट दिया. एंड कुछ ऐसे मंथ्स थे कि जब कहाँ से ज़्यादा ऐसे चार डिजिट के अकाउंट क्रेडिट हो जाता था और मैं स्क्रॉल करता था, भाई ये कहाँ से आए पैसे. सो बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं, लाइफ इज़ लाइक अ कम्प्लीट रेस, एंड बहुत मज़ा आएगा एक साल में. जितना आप मेच्योर हो जाओगे, जितना कुछ आप सीखोगे, जो आपको अब्रॉड खुद अकेले रहना सिखा देगा, वो आपको कुछ नहीं सिखा सकता. आई वुड सजेस्ट कि आप मतलब इफ़ यू आर इन इंडिया एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम अब्रॉड, आई वुड से कि सेटल होने के लिए आपकी मर्जी, आपको सेटल होना है आप हो जाओ, नहीं होना नहीं होना आपकी, दैट्स अप टू यू. बट एक बार अब्रॉड पढ़ने के लिए, एक बार अब्रॉड रहने के लिए, एक बार अब्रॉड काम करने के लिए, एक बार जो स्टूडेंट लाइफ है वो एक बार जी के देखो, आपको पता लगेगा कि लाइफ होती क्या है, आपको पता लगेगा कि हाउ टू मैनेज एवरी आवर ऑफ द वीक.
एक 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 घंटा हफ्ते का कैसे पूरा मैनेज करके चल रहा है एंड यू विल लर्न एवरीथिंग। अभी ये जॉब का सेक्शन था, मैंने प्रॉब्लम गिनाने के अलावा आपको होप दे दी, बट होप पे तो दुनिया कायम है। सो बहुत कुछ होता लाइफ में, सब टेंशन नहीं लेनी, जॉब सबको मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आप इंडिया में बैठ के ये टेंशन ले रहे हो कि मैं अब्रॉड जाऊँगा यार मेरे पास जॉब नहीं होगी, मेरे पास ये नहीं होगा, भाई बाहर निकलोगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लोगों से डील करोगे, लोगों से बात करोगे, जॉब मिल जाएगी। रोने वाले भी बहुत होते हैं और यू नो पॉजिटिवली उसके अंदर एक अच्छा ढूंढने वाले भी बहुत लोग होते हैं। सबसे तेज़ आवाज़ उसकी होती है सबसे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिविटी दुनिया में बहुत है। अगर आप एम्प्लॉयर की साइड से बोलोगे ना, तो भाई लोगों के एम्प्लॉयर से पूछोगे तो लोगों के पास काम करने के लिए लोग नहीं है कि भाई काम करने वाला कोई बंदा नहीं मिल रहा, ये बंदा नहीं मिल रहा, बंदा नहीं मिल रहा, ये बोलते रहते हैं। और दूसरी तरफ जाओगे तो भाई जॉब नहीं है, भाई जॉब चाहिए, जॉब नहीं है। सो दोनों तरफ ऐसा ही है। अगर आप इंडिया से बैठ के ये स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, इसके कारण मेरे को अब्रॉड नहीं जाना चाहिए, मेरे को मेलबर्न नहीं आना चाहिए, मेरे को इस सिटी नहीं जाना चाहिए, वो सिटी नहीं जाना चाहिए, सब हो जाएगा। आपको तो एक ही पोजीशन चाहिए ना, मिल जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, कोई यूपीएससी क्रैक करना भी नहीं है। एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू यूपीएससी, कोई ऐसा बड़ी बात भी नहीं है कि आपको जॉब की नहीं मिलेगी, मिल जाएगी भाई, सब हो जाता है यहाँ पे। हम नहीं रह रहे क्या? और जो साला यूट्यूब पे क्रिएटर ये वीडियो बना रहा है कि भाई जॉब नहीं है, भाई रेफरेंस के बिना जॉब नहीं मिलती, भाई इसके बिना जॉब मिलती, दो जॉब्स क्रैक किया खुद के दम पे, क्रैक किया बिना रेफरेंस के। जो रेफरेंस मिली भी थी वो भी रेफरेंस खुद ही बनाई थी दोस्त के नाम से, खुद से किया सब कुछ। मैं यहाँ पे, मेरा तो कोई भी नहीं है भाई, मेरी फैमिली में तो सारे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे तो खुद ही आया था, अकेला आया था, दो बैग उठा के खुद रह रहा हूँ, सब कुछ खुद किया है, कोई टेंशन की बात नहीं होती भाई। अगर आपको, अगर आप खुद स्ट्रेस्ड हो ना, एंड मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा कि मैंने खुद से किया, भाई मेरे जैसे लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जो भाई खुद अकेले आए थे, वो अभी तक इतना कुछ कर रहे हैं। मैं आई एम गोइंग टू इंटरव्यू वन ऑफ द गाय हु केम एज अ स्टूडेंट नाउ ओन्स टू रेस्टोरेंट्स, दो रेस्टोरेंट छः साल में बना दिए उस बंदे ने। अभी उनका इंटरव्यू मैं 11th ऑफ अगस्त के बाद पोस्ट करने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर, सो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। एंड कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती भाई, अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखो और अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रखो। इंडिया में भी सब कुछ खुद से किया, यहाँ भी खुद से करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस जॉब मिलती है, सब कुछ मिलता है, बाहर निकलने वाले बनो, बात करने वाले बनो, सब होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे बस सब्र रखो ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, कितनी बुरी चीज़ें आती हैं लाइफ के अंदर, ये सब दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ एंड यू हैव टू डील विद इट, नो वरी, इन उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जो पहले 6-7 महीने होते हैं उसमें तो बंदा पागल ही होता है, यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है। सो क्योंकि सब कुछ नया, कल्चर नया, हर चीज़ नहीं, बाकी वो मैं आगे कवर करता हूँ डिफरेंट पॉइंट्स में। सो गाइस, जो आपकी थर्ड प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी फूड की। नाउ मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे फेस एन इशू जब उनको बोलो कि भाई खाना क्या करना है, शुरू के टाइम पे होती है, बाद में तो जो इनको 1-1.5-2 साल हो गए वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी खाने की, उन्होंने अपना सॉर्ट आउट कर लिया होता। यूजली मील प्रेप्स करते हैं, या मेरे जैसा बंदा होगा तो मैं सुबह का जो मेरा रात का डिनर होता है दैट इज़ माय नेक्स्ट डे लंच, एंड फिर वो डिनर लंच चलता है। ब्रेकफास्ट स्टैंडर्ड मेरा ओट्स के साथ मिल्क, ओट्स एंड मिल्क इज माई स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट। लुक, खाने का आपको इंडिया से सॉर्ट आउट करके आना। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो भाई घर पे मम्मी है उनसे सीखो, बड़ी बहन है उनसे सीखो, छोटी बहन है उनसे सीखो, पर जो भी हु इज कुकिंग एट योर प्लेस उनके पास बैठो और देखो पहले उनको फॉर द फर्स्ट 1 month, मे बी 2 weeks or 3 weeks, एंड देन सिट अलॉन्ग विद देम, स्टार्ट कुकिंग धीरे धीरे। भाई ऐसा नहीं है, आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन गाइज जो घर के लाडले होते हैं यहाँ पे सीधे ऑस्ट्रेलिया में उठ के आ जाते हैं, खाना बनाना कुछ आता नहीं, ग्रोसरी में ये नहीं पता कि भाई नमक क्या क्या, नमक मिर्ची हल्दी क्या होता है, तड़का कैसे बनता है, कुछ नहीं आता उनको। लुक वॉस, इफ़ यू कॉन्ट इवन मेक अ सिंपल ऑमलेट, इफ़ यू कॉन्ट इवन नो हाउ टू बॉयल एन एग, भाई दैट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। गो इन टू द किचन, अपना लिए खाना खुद बनाना सीखो। अगर आपको अपना खाना खुद बनाना नहीं आता और इफ़ यू रिलाई कि आ भाई बाहर खा लूँगा मैं, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, देखो ठीक है बाहर खा लोगे आप, लेट्स से यू कैन यू नो यू ईट एवरी मील आउटसाइड, बस यहाँ पे एवरी मील आउटसाइड खाने वाले भी कोई भी नहीं होगा, जो फुल टाइम जॉब कर रहा है ना प्रॉपर एक मल्टीनेशनल कंपनी में, वो भी एवरी मील आउटसाइड नहीं लाइक खा सकता है, बट ही कॉन्ट इवन अफोर्ड दैट, क्योंकि लेट्स से एज अ स्टूडेंट यू आर मेकिंग $2,000 पर मंथ, विच इज़ लाइक ऑन अ गुड साइड, ऑन अ गुड, इन अ गुड मंथ यू मेड $2,000 something, एंड उसमें से लेट्स से $20 का एवरेज मील आउटसाइड होता है। एवरेज $20 अगर आप कहीं बाहर खाने जा रहे हो एक बंदे का लगेगा ही लगेगा, दैट टू इन अ सस्ती प्लेस। अगर आप थोड़ी एक्सपेंसिव जगह पे चले गए तो फिर तो लगाओ 30-40-50-60 तक जाएगा वो। $20 मिनिमम सबसे अनहेल्दी जंक फूड खाने में लगेगा आपको, 20 × 30 $600, one-fourth ऑफ वॉट यू आर अर्निंग इज बींग स्पेंट ऑन वॉट यूर ईटिंग हैबिट्स। अगर आपने वही इंडिया से आया था $100 की ग्रोसरी करते, $100-150 की मस्त इंडिया अपना खुद घर पे बना के खाते, यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन कुकिंग एट योर होम एंड ईटिंग आउटसाइड इज़ वेरी मच। इंडिया में यू कैन फाइंड समथिंग ऑफ 50 rupees, 60 rupees, यू नो 50-60 rupees का आपको डोसा मिल जाएगा या इतना मिल जाएगा, विच इज़ नथिंग, 50-60 rupees का क्या ही होगा, एंड यू कैन ईट आउटसाइड वन मील। यहाँ आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लुक, टेक आउट दिस आउट ऑफ योर मेंटेलिटी कि भाई $20 ही तो है, एक बार खर्च दूंगा, $20 रोज खर्च हो, $600 होता है महीने का। सो प्लीज़
हैव अ होल्ड ऑन वॉट यू आर स्पेंडिंग एंड खाना इंडिया से बना के सीख के आओ. मेरा खुद का पर्सनल ये है 40-45 मिनट में दाल चावल रोटी सब कुछ बन के खा पी के अंदर बर्तन धो के अंदर रख देता हूँ मैं, क्योंकि आई रिमेंबर 9 o'clock आई रीच होम आफ्टर माई यूनी एंड आफ्टर एवरीथिंग आफ्टर माई डे लाइक गेट्स ओवर कम्प्लीटली आफ्टर पूरी शिफ्ट फिर यूनी फिर घर आके 9 बजे मैं जब घर आता हूँ तो 9:40 तक खाना बना के सब कुछ खा पी के मैं बेड के ऊपर लेट के रील स्क्रॉल कर रहा हूँ. सो प्लीज़ ये सीखो, खिचड़ी बनाना सीख लो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो मेक वन स्टेपल फूड एंड दैट इज़ हाउ यू नो यू विल ट्रीट योर सेल्फ. आप यहाँ पे आके अपने आप को कभी जॉब में मार रहे हो, कभी यूनी में मार रहे हो, कभी असाइनमेंट्स में मार रहे हो, तो एक चीज़ तो हो जो आपको अच्छे से ट्रीट करे. एंड यस ये होता है. सो प्लीज़ खाना बनाना सीख के आओ. सो गाइज जो फोर्थ प्रॉब्लम है आपकी वो होता है आपका स्ट्रेस. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है. अब आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो बड़ी हैपनिंग लाइफ है, क्लब में जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. उन्हीं भैया को सुबह देखना, सुबह 7 बजे पूरा तैयार हो गए बस स्टॉप के ऊपर ऐसे खड़े होंगे कि भाई बस कब, बस क्यों लेट होगी, बस 7:05 की होगी, वो साला मेरा मैनेजर गाली देगा. तो भाई इफ देर इज समवन हु यू आर लुकिंग अप टू, हु इज पार्टिंग अलॉट, हु इज यू नो डूइंग अलॉट ऑफ थिंग्स, वो अगले दिन काम भी बहुत करते हैं, वो अपनी यूनी में भी बहुत इधर उधर घूम रहे हैं. सो दे आर बैलेंसिंग आउट बोथ ऑफ द थिंग्स. सो इफ यू आर सिटिंग इन इंडिया एंड इफ यू फील दैट दैट्स द लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, दैट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, दैट इज नॉट द लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. इफ दैट इज यू सी एट ऑल लाइक कंप्लीटली उनको वही दिख रहा है आपको कि भाई वो एवरी फ्राइडे ही इज गोइंग टू क्लब एंड ही इज पार्टिंग एंड ही इज डूइंग समथिंग, सो प्लीज डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय देम. आई पर्सनली डोंट, मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन नहीं मानता. मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी मत मानो. वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन वॉट यू आर हेयर फॉर. अगर आपने एजुकेशन लोन लिया, आपको वो एजुकेशन लोन वापस करना है. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसमें मेरी खुद की पर्सनल एक ट्रिक है, मैं कभी भी पार्ट टाइम जॉब का स्ट्रेस नहीं लेता. जो मेरी जॉब पे हो रहा है वो जैसे मैंने जॉब से बाहर स्टेप आउट किया उसके बाद मैं तुम्हारा एम्प्लॉई नहीं हूँ. मेरे को उस घंटे के पैसे मिल रहे हैं, उतने घंटों के पैसे मिल रहे हैं, मेरे को तुम्हारा फ़र्क नहीं पड़ता. उसके बाद जो मर्जी हो जाए, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उल्टा, ऑब्वियसली दैट्स माय वर्क प्लेस, बट कुछ भी हो जाए मेरे को उसकी स्ट्रेस अपना घर पे नहीं लेकर आना. वो स्ट्रेस वहीं पे रहेगा क्योंकि दे आर नॉट पेइंग मी फॉर स्ट्रेसिंग एट होम. भाई उनको पैसे मिलेंगे तो मैं घर पे भी स्ट्रेस लूंगा तुम्हारा. मतलब जो उनका स्ट्रेस है वो अपनी जॉब पे रखो. जो जॉब का, जब आपने दुकान अपनी खोली है तब हाँ उनका डेफिनेटली गिव योर 110% देयर. अब जो कर सकते हो वो करो, बट एज सून एज यू स्टेप आउट ऑफ दैट प्लेस, एज सून एज यू स्टेप आउट ऑफ दैट इंटायर सिचुएशन, उसके बाद स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है पार्ट टाइम जॉब की. जो जॉब पे चल रहा है वो चल रहे, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई इस बात का. आपको टेंशन नहीं लेनी उसकी. टेंशन अगर आपको लेनी है तो आपको यूनी की टेंशन लेनी है, आपको अपनी असाइनमेंट की टेंशन लेनी है. अगर आप कोई पार्ट टाइम हॉबी कर रहे हो तो, अगर आपकी कोई हॉबी है जैसे मेरी यूट्यूब है सो आपको उसकी टेंशन लेनी है. अगर आप यू बिल्डिंग अ बिजनेस तो उसकी टेंशन लेनी है. अगर आपको इंडिया पैसे भेजने हैं, आपको यू नो मोर आप देयर सम लोन जो आपने जो लेकर आप यहाँ पे आए थे आपको उसको रीपे करना है तो उसकी टेंशन लेनी है. आपको अपनी टेंशन लेनी है. आपको कभी भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब जो आपका मैनेजर बोल रहा है या उसने मेरे को ऐसे गाली दे दी या उसने मेरे को ऊपर गुस्सा कर दिया उसकी टेंशन लेनी है. छोटी छोटी बात होती है. लुक, वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्नड इन दिस पास्ट वन ईयर इज डोंट स्वेट फॉर स्मॉल स्टफ. अगर आप छोटी छोटी बातों पे कमी निकालने लग पड़े ना, यार मेरे को वो नहीं मिला, यार मेरे को मेरी यू नो आई डिडंट फाइंड दी फेवरेट स्पॉट एट माय पार्किंग, या आई डिडंट फाइंड सम प्लेस टू सिट इन दी बस, मैं थका हुआ हूँ, मुझे यू नो खाने के लिए नहीं मिला, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने लंच नहीं किया, यार मैं थक गया, या मैं ये हो गया वो हो गया, अगर आप क्राई बेबी बन गए तो स्ट्रेस आपको और बढ़ेगा. इससे बेटर है यार छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको जस्ट फक इट एंड लुक फोकस ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर स्ट्रेस छोटी बात का लेना नहीं, टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं, किसी की सुननी नहीं. धीरे धीरे अपना काम करते रहना है, अपनी धीरे धीरे बिल्ड करते रहना है. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. जो चीज़ आपको वहाँ पे उतना रहने के पैसे मिल रहे हैं ना पार्ट टाइम जॉब के, तो उतने का ही टेंशन लो. घर आके टेंशन लेनी, आई हैव सीन मेरे फ्रेंड्स हैं. अब मैं आपको हर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि मेरे दोस्त है जो ऐसा एग्जाम्पल देता है. अब मैं आपको जेन्युइनली एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ जो बहुत स्ट्रेस लेता है. सो आई हैव अ फ्रेंड, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हु ऑल्सो गॉट मी जॉब. सो he takes a lot of tension, he takes a lot of tension about how it is going in the place, yeah, how it is, you know, maine ye stock order nahi kiya, ye bach gaya, wo ghar pe aake bhi wo tension leta rehta hai. mat lo, mat karo wo. usko agar aapko tension hai na to unko bolo ki agar main ko ghar pe call bhi kar raha hu na to mereko uske bhi paise chahiye sala. mereko bhai nahi, mereko i don't want your, you know, i don't want to bring your thing into my place. someone else is making money out of me, i am just there working. वो बिजनेस किसी और का है, उस बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो उसका ओनर मुझसे $1 एक्स्ट्रा शेयर नहीं करेगा. ठीक है, तो मेरे को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिलती है उस फिक्स्ड आवर्स के लिए, तो मैं उस फिक्स्ड आवर्स में ही काम करूंगा, उस फिक्स्ड आवर्स में ही उसके बारे में सोचूंगा. सेम विद मी, मेरा अगर कोई जॉब है तो मैं उस दिन सोचता हूँ, अगले दिन उसके बाद
जैसे वो जॉब ख़त्म हुई उसका टेंशन वहीं गई, अगला यूनिवर्सिटी। इवन इन फैक्ट मैं अपनी जॉब पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं यूनिवर्सिटी की चीज़ें सोचता रहता हूँ। सो व्हेन आई वाज इवन डूइंग माय रिसर्च थिंग एंड उस टाइम जब मैं जॉब भी करता था साथ साथ में, विच वॉज हेल्प उस टाइम ऑल्सो, इवन ड्यूरिंग माई जॉब आई यूज टू डू माई सम ऑफ माई असाइनमेंट्स ऑन माई फोन या सम ऑफ माई थिंग्स ऑन माई फोन, या फोन तो मोस्ट ऑफ द जॉब में अलाउड नहीं होता, बट अगर आप स्नीक आउट तो कर ही लेते सारे। सो अगर आप फ़ोन निकाल के या आप कुछ करके यू कैन टेक आउट योर थिंग, तो आपको जॉब के अंदर यूनिक लाना है, ठीक है। यूनिक कभी मत छोड़ो कि मेरी शिफ्ट है, शिफ्ट को भाई मैनेजर को बोलो कि भाई अगले डाल दे, सब होता है। अगर आपके मैनेजर के साथ लिंक्स हैं, अगर आपको पता है, सब बोलो उनको भाई यू नो आई हैव सम प्रॉब्लम, यू नो मेरे को ऐसे है, मेरी यूनी होती है, मेरे ये होता है, तो उनको बोलो कि एडजस्ट करने के लिए, मैं अपनी यूनी तुम्हारे लिए एडजस्ट नहीं कर रहा। सो मेक बेसिक दिस लॉजिक, यू आर हियर ऑन स्टूडेंट वीज़ा, पढ़ो, पढ़ने के लिए आए हो, अगर आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा आरओआई मिल जाएगा रैदर दैन वो एक शिफ्ट करके जो आप एक्स्ट्रा $200 कमा लोगे। सो ये स्ट्रेस का है, स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए यही है भाई, अपनी फैमिली के साथ टच पे रहो। मैंने देखा है यहाँ पे बंदे अपनी फैमिली के साथ टच पे नहीं रहते, कॉल नहीं करते ज़्यादा। मेरे को खुद ही आदत थी, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत कम बात करना शुरू कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई थी, लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था, तो मैंने फैमिली के साथ कम कर दिया बात करना। एंड नाउ आई रिग्रेट दैट, वो एक दो महीने का पीरियड जो मैंने बात नहीं करी, अब मैं बहुत बातें करता हूँ मम्मी के साथ, अगर ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, खाना खा रहा हूँ ऑल्सो, तो यहाँ पर टाइम नहीं लगता आपको बात करने का। तो मैं अपना पर्सनल एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन आई यूज टू कॉल माई मदर, तो मैं या तो खाना खा रहा था या मैं ट्रैवल कर रहा था, इनफैक्ट अभी भी, तो मम्मा कहते बेटा तू खाना ही खाता रहता है या तो कहीं जा ही रहता है, तो काम कब करता है? तो मैंने बोला मम्मी आपको काम में कब फोन करूंगा मैं। सो माई मदर थिंक्स कि या तो मैं खाता ही रहता हूँ यहाँ पे या मैं ट्रैवल ही करता रहता हूँ। सो ये होता है, आपके साथ भी होगा, एंड इट वॉज लाइक अ पर्सनल स्टोरी विच आई वॉन्टेड टू शेयर। एनीवेज, सो स्ट्रेस तो आपको डेफिनेटली होगा, यहाँ पे स्ट्रेस होता ही है और होना भी चाहिए। जितनी जल्दी आओगे यार भाई, जितना जल्दी सीखोगे सब कुछ, आपको वही टाइम के साथ सिखा देगा। हम भी बच्चे आए थे यहाँ पे, हम भी सोचते थे, मैं तो ऐसे साउंड कर रहा हूँ जैसे मैं पता नहीं कितना बुढ़ा हो गया यहाँ पे, एक ही साल हुआ मेरे को, बट होता है, यू विल ऑल अंडरस्टैंड वॉट इट टेक्स, हाउ इट गोज, एंड डेफिनेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी मैं एक बंदे का इंटरव्यू करने वाला हूँ, आई एम प्रमोटिंग दैट अलॉट बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू होस्ट दैट पर्सन। ही केम एज अ स्टूडेंट 6 years अगो इन ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ ही ओन्स 2 restaurants हियर, इट्स नॉट अ जोक गाइस, ट्रस्ट मी, 6 साल बाद मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अभी टैक्सी चला रहे हैं। नो हेट टू देम, बट भाई ही वर्कड हार्ड अलॉट, एंड उनका इंटरव्यू इसी चैनल के ऊपर अभी मैं थोड़े टाइम बाद पोस्ट भी करूँगा। सो गाइज, जो आपकी फोर्थ प्रॉब्लम तो नहीं मैं बोलूँगा, बट इट्स समथिंग दैट यू नीड टू डील विद व्हेन यू कम हियर, दैट इज़ कल्चर। ऑस्ट्रेलियन कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट, यहाँ पे मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं विच इज़ वेरी डिफरेंट। आई स्टिल फील कि हमारा इंडियन कल्चर इज़ प्रीटी वियर्ड इन दैट केस, क्योंकि इवन दो इंडियंस जो यहाँ पे मतलब 10-10 साल हो गए जिनको रहते हैं, उनको भी अभी तक बेसिक चीज़ें हैं दैट दे लैक। आई फील वेरी सैड इन सेइंग दैट, बट मतलब एज बेसिक एज कि हमारे इंडियंस को प्लीज़ और थैंक यू और सॉरी बोले की आदत नहीं होती। वी वर्क बाय द मेंटालिटी के साथ, एक तो पैसे दे रहे हो ऊपर से थैंक यू बोले, तो एंड इवन जो ऑस्ट्रेलियंस है, लोकल ऑस्ट्रेलियंस है, मेरे को वो भी मेरे दोस्त थे काफ़ी, एंड इवन दे सेड मी कि इंडियंस डोंट नो हाउ टू टॉक, दे टॉक एज इफ दे ओन द प्लेस, एंड विच इज़ ट्रू। इवन आई हैव फेल्ट दैट कि भाई इंडियंस को बात करने का हमें नहीं होता, इवन जो हमारे इन जनरल देसी हैं, हमें थोड़ा बात करना सीखना चाहिए। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो इन जनरलाइजिंग और डिमीनिंग वे टू माय ओन कम्युनिटी, आई लव माय कम्युनिटी, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, यहाँ पे बहुत अचीवमेंट्स हमारी कम्युनिटी की, डेफिनेटली देर आर लाइक वेरी 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 गुड पीपल हु आर हियर एंड मोस्ट ऑफ देम आर रियली गुड, बट देर आर अ फ्यू पीपल जो जिनको बात करने का पता नहीं होता, एंड इट्स नॉट इवन देयर फॉल्ट, दे वर रेज्ड इन दैट एनवायरमेंट एंड दे वर यू नो दे ग्रू अप विद दैट मेंटालिटी, आई डोंट इवन फील कि उनके दिल में कुछ बुरा होगा, बट द वे दे टॉक इट फील्स लाइक कि भाई कैसे बात कर रहे हो, मतलब बात करने का थोड़ा सीखो। नाउ मेरे साथ भी पर्सनली बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं विच आई फील कि काश यू नो हमें थोड़ा, इवन दो आई फील लाइक कि कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है जिस कम्युनिटी में बैड एप्पल्स ना हो, बुरे लोग ना हो, हर कम्युनिटी में बुरे लोग होते हैं भाई, ऐसे कोई डाउट नहीं है उसमें, बट मैं इंडियन हूँ तो मैं अपनी इंडियंस की बात बताऊँगा ना आपको, मेरे को किसी बाकियों से क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो प्लीज़ यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं, बहुत सारी यू नो बहुत सारे कल्चर से लोग आते हैं, रिस्पेक्ट देयर कल्चर, रिस्पेक्ट जैसे वो बात कर रहे हैं, अगर उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो उनका हंस के मजाक उड़ाने से, जस्ट बिकॉज यू नो अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड यू कैन स्पीक दी स्पीक अ लैंग्वेज, डोंट मेक फन ऑफ देम। उनको अगर थोड़ा वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश बोलने में या थोड़ा वो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ उनका यू नो थोड़ा हेल्प करो। नाउ इसमें भी मेरा एक इंसिडेंट है, आई वॉज सिटिंग इन अ वर्कशॉप, यूनिक वर्कशॉप थी वो किसी सब्जेक्ट की, एंड एक लड़की थी उस उसी यूनि में,
उसी वर्कशॉप में साइड में बैठी थी और उसको शी वॉज स्ट्रगलिंग इन अंडरस्टैंडिंग अ बिट. तो मैं उसको उसके साथ जो एक और लड़का बैठा था हमारी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका से, आई डोंट इवन वांट टू नेम द कंट्री कौन सी कंट्री से था वो. सो उस अपना देसी था एंड ही पास्ड अ कमेंट विच आई अंडरस्टूड ऑब्वियसली, एंड वो बड़ा मतलब बड़ा रेसिस्ट वर्ड बोल रहा उसने. एंड मैंने उसको पीछे मुड़ के ऐसे देखा कि भाई क्या कर रहा, क्यों बोल रहा था उसको रेसिस्ट वर्ड. उसकी क्या गलती है इफ़ शी वॉज रेज्ड इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट दैन यू. तेरे को अगर वो अपने दोस्तों के साथ ही करने में मज़ा आ रहा है तो भाई उसकी क्या गलती है इसमें, तू करना अपना ही अपनी कंट्री में रह के ही करता, तू यहाँ पे क्या करने आया है. सो प्लीज़ यू नो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म होता सो ये प्रॉब्लम नहीं है हमारी इंडियंस की, देसियों की प्रॉब्लम होती है कि हमें प्लीज़ थैंक यू ये सब बोलने करने की आदत नहीं होती. जाओगे लाइन पूरी तोड़ के अंदर सीधा खड़े हो जाओगे, हाँ भाई दे मेरे को, भाई बाप का राज आ गया तुम्हारे, मतलब क्या किस बात का भाई, लाइन देखो कहाँ पे है. एंड इफ देयर इज समवन हु इज सर्विंग यू, उनको प्लीज़ बोलो, उनको थैंक यू बोलो, बिकॉज देयर आर थिंग्स जो हमारे इंडियंस को ऐसे बोलते हैं, हाँ ये दिस दिस दिस. बॉस आई नो आपको इंडिया से मेंटालिटी है कि यू नो ना ऑटो वाले की इज्जत करनी है, ना जो ऊबर ड्राइवर है उसकी इज्जत करनी है, ना फिर जो हु इज़ द पर्सन हु इज़ जो ट्रे के उस साइड है उसकी इज्जत तो करना कभी सीखी ही नहीं हमने, मतलब हमारे देशियों ने. कुछ देशों की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट डेफिनेटली रिस्पेक्ट एवरी वन बॉस. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है तुम्हारे किसी बाप का नौकर नहीं है, अगर तुम्हें इतना ही है तो पर्सनल हायर करो, उसको गाली देते रहो जितने देने किसी. इफ समवन इज इन अ पब्लिक प्लेस एंड ही इज सर्विंग यू या ही इज बाउंड टू टॉक टू यू, तो प्लीज़ उसको थैंक यू या सॉरी या प्लीज़ बोले की आदत डालो. दैट इज़ अ गुड हैबिट. वो आपको ही हैबिट अच्छी लगी, मतलब आपको ही वो अच्छे से ट्रीट करेंगे, अदरवाइज वो भी उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, भाड़ में जाओ. एंड लुक स्किन कलर तो आप हर जगह कैरी करते हो ना, कपड़े तो आप चेंज कर लोगे, तो इमेजिन कि आपकी रेपुटेशन उस स्किन कलर के साथ जज की जाती है. सो या मेक श्योर कि यू लर्न हाउ टू टॉक. एंड आईएलटीस का टेस्ट क्लियर करने से ये मतलब नहीं होता कि आपको इंग्लिश आती है. सो प्लीज़ मेरे भी 7.5-8 बैंड आए थे, बिना पढ़े कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, तो आईएलटीस का टेस्ट मतलब क्लियर कर लिया तो ये मतलब नहीं होता कि आपको यू नो यू आर सम शेक्सपियर, यू आर जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बींग लाइक एवरीवन एल्स. एवरीवन एल्स इज डूइंग देयर जॉब, एवरीवन एल्स इज हसलिंग हियर, सब अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं. द मेन मोटिव ऑफ एवरीवन इज कि दे आर जस्ट गेटिंग थ्रू लाइफ ईजिली. सो प्लीज़ सबको ऐसे अच्छे से ट्रीट करो. अब मैंने इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए किया कि क्योंकि मेरे साथ पर्सनल भी खुद इंसिडेंट्स हुए हैं, मेरे दोस्तों के साथ हुए हैं, मेरे दोस्तों ने भी किए हुए हैं लोगों के साथ, फिर मैं उनको टोका भी था जिसका उन्होंने बुरा माना कि भाई तू मेरे को क्या टोक रहा है, हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही होते हैं, तो भाई तुम ऐसे ही थे तो इंडिया यहाँ क्यों आए, इंडिया ही रहते. सो थैंक यू सो मच. नो हेट 21. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट. चीयर्स.